मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग छात्रों के लिए बाल रंग का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों के छात्र भी शामिल होंगे। कार्यक्रम 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मानव संग्रहालय में आयोजित किया गया है। राजधानी भोपाल में होने वाले दो दिवसीय आयोजन में 1200 से अधिक छात्र राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें मणिपुर, सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम, लोक नृत्य, आत्मनिर्भर भारत, लघु भारत प्रदर्शनी, फूड जोन सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। देखिए, अभी हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये पूरा जो कार्यक्रम है किस ढंग से है, क्या स्वरूप है, क्या क्या इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अभी इसमें 15 हमारे राज्य भाग ले रहे हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, और पूरे पार्टिसिपेंट अगर मध्य प्रदेश को मिला लिया जाए और दूसरे स्टेट्स को, तो लगभग 1500 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। और मेनली ये प्रोग्राम बच्चों में जो क्रिएटिविटी होती है उसको डेवलप करने के लिए है, और साथ ही साथ एक स्टेट्स के बच्चे दूसरे स्टेट जाए तो राष्ट्रीय एकता पर भी हमारा जोर है, साथ ही साथ कि इससे बढ़े। और ख़ासकर एक भारत एक राज्य जो योजना है उसके तहत हमें मणिपुर स्टेट दिया गया है, वहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं। इस तरह एक कल्चरल यूनिटी की भावना जन्म बच्चों को भी डेवलप करने की बात है वो, तो इसलिए वो यार कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, इस बार पिछले वर्षों से नहीं, उनका उद्देश्य है कि उनके जो ट्रेडिशनल जो उनके प्रोग्राम कुछ है अगर मान लें कल्चर से रिलेटेड या फिर उससे, तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और गड़े मैं अरविंद कुमार पौरगड़े, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल। इस बार हम राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन 18 और 19 तारीख में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लगभग पूरे प्रदेश के 325 के आसपास बच्चे और सवा 300 बच्चे हमारे अन्य प्रदेशों के और लगभग 1000 बच्चे हमारे मध्य प्रदेश के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं उनके बीच में कराई जाएगी जो ऑलरेडी राज्य स्तर से होकर यहां पर आएंगे, और सभी प्रदेशों के जितने बच्चे हैं वो लोक नृत्य के माध्यम से इसमें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रथम द्वितीय तृतीय जो इस श्रेणी में आएंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा और सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। मुख्य रूप से इस आयोजन का उद्देश्य है कि बच्चे अपने स्कूलों से बाहर निकलें और अपनी सांस्कृतिक एकता या सांस्कृतिक अन्य प्रदेशों की संस्कृति कैसी होती है उसको जानेंगे। क्राफ्ट के माध्यम से जितने भी इनोवेटिव विचार उनके अपने अंदर होते हैं उसको वो बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, और हमारा उद्देश्य है कि बच्चे बाहर निकल के एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की संस्कृति को जानें और अंदर अपने अंदर जो भी उनकी सृजनात्मकता होती है उसको विकसित करने का प्रयास। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।